नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार में चोरी की अनोखी अनोखी घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में रोहतास में एक पूरा लोहे का ब्रिज ही चोर उठाकर ले गए थे। मोबाइल टावर चोरी की घटना में शामिल है तो रेल इंजन को भी चोर उड़ाकर ले गए हैं। अब ये ताजा घटना समस्तीपुर से आ रही है, जहां चोरों ने 2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन ही चुरा ली है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में रेलवे स्क्रैप बेचने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समस्तीपुर रेल मंडल में एक और बड़ा रेलवे स्क्रैप घोटाला सामने आया है, जहां बिना टेंडर के करोड़ों का रेलवे स्क्रैप बेचा जा रहा है। खबर है कि समस्तीपुर रेल मंडल के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के कारण इस लाइन को बंद कर दिया गया था। बताया गया है कि रेलवे लाइन का स्क्रैप बिना ऑक्शन किए आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप को कारोबारियों के बीच बेचा जा रहा है। इसमें कुछ माल पकड़ा भी गया, जिसको लेकर दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरपीएफ सूत्रों का कहना है कि रेलवे स्क्रैप में आरपीएफ पुलिस पदाधिकारियों का हाथ है। मामला सामने आने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त ने 2 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसमें रेल मंडल के झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट के प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह शामिल हैं। बहरहाल, रेलवे स्क्रैप की चोरी की ये कोई नई घटना नहीं है। मुजफ्फरपुर से लेकर समस्तीपुर तक ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जहाँ करोड़ों का माल चोर रोज उड़ा कर ले जा रहे हैं। रेलवे और रेल पुलिस इसमें हेल्पलेस दिख रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाकर आप खबरें देख और पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।